What does the graph say? Good morning, friends. Welcome once again to Nifty Analysis from TradingFab.in. आज है 31st दिसंबर 2020 थर्सडे है, सुबह के 8:37 हो रहे हैं। इस महीने का लास्ट ट्रेडिंग सेशन है और इस साल का भी 2020 का भी लास्ट ट्रेडिंग सेशन है। थर्सडे है, वीकली एक्सपायरी का मंथली एक्सपायरी का भी दिन आ रहा है, तो काफ़ी वोलेटाइल मार्केट देखने को मिल सकता है। निफ्टी ऑलमोस्ट 14,000 के करीब पहुंच चुका है। कल 13,997 का निफ्टी इंडेक्स ने हाई लगाया, तो रेजिस्टेंस एक मैजिकल फिगर के पास निफ्टी इंडेक्स पहुंच चुका है। तो क्या आज वो ब्रेक होगा? क्या निफ्टी 14,000 के ऊपर ट्रैवल करेगा? क्या रेजिस्टेंस के लेवल हो सकते हैं? कहां पर फिबोनाची एक्सटेंशन के प्रोजेक्शन लेवल्स आ रहे हैं उसको देखेंगे, इंट्राडे लेवल्स को भी आइडेंटिफाई करेंगे। लेकिन सबसे पहले कल के एनालिसिस का क्विकली रिव्यू करते हैं। ये एक पिक्चर है कल का, यानी 31 दिसंबर आफ्टर मार्केट आर से पिक्चर लिया हुआ है। निफ्टी इंडेक्स का 5 मिनट का चार्ट है। कल का वीडियो अगर आपको देखना है तो ऊपर ही आई बटन में आपको उसकी लिंक मिल जाएगी। तो कल के प्लान के अकॉर्डिंग हमारा ब्रेकआउट लेवल बन रहा था 13,980 और ब्रेकडाउन लेवल बन रहा था 13,882। तो जैसे कि आप देख पा रहे हैं, निफ्टी इंडेक्स ओपन होते ही यहाँ पर ब्रेकआउट लेवल के पास एग्जैक्ट इसने रेजिस्टेंस फेस किया, टूवर्ड साउथ की तरफ आया। एक चौपीनेस मार्केट में देखने को मिल रहा है। ईयर एंड है तो खासकर एफआई की एक्टिविटीज कम देखने को मिलती है। और जैसे ही ब्रेकडाउन लेवल को ब्रेक किया, फर्स्ट टारगेट 13,866 एग्जैक्ट अचीव किया और इसी के पास निफ्टी इंडेक्स ने कल का लो और सपोर्ट टेस्ट करने के बाद बाउंस बैक दिखाया। और लास्ट हाफ एन आवर बचा था, 3 बजे के बाद ब्रेकआउट लेवल ब्रेक होने के बाद ऑलमोस्ट फर्स्ट टारगेट के पास निफ्टी इंडेक्स पहुंच चुका था और क्लोज भी हुआ ऑलमोस्ट ब्रेकआउट लेवल के पास 13,981। तो काफ़ी एक्यूरेट लेवल साबित हुए। 3 बजे के बाद कोई इंट्राडे ट्रेड इनिशिएट नहीं किया जाता। तो कल के प्लान के अकॉर्डिंग अगर ट्रेड करते तो 8 पॉइंट्स का ट्रेड करने का मौका था। 10 लॉट के हिसाब से अगर ट्रेड करते तो अराउंड 6,000 का यहाँ पर प्रॉफिट बन सकता था। ये था कल के एनालिसिस का क्विकली रिव्यू। ग्लोबल मार्केट के हालात देख लेते हैं। कल अमेरिकी बाजार हल्की सी बढ़त देखने को मिली, वहाँ पर भी एक चौपीनेस देखने को मिला। ईयर एंड था, 31st नाइट है आज, तो वहाँ पर भी छुट्टियाँ होती है। खासकर यूरोपियन मार्केट्स देखे तो कल सभी लाल निशान में बंद हुए, हल्की सी गिरावट देखने को मिली। आज एशियाई बाजार ओपन हो चुके हैं, तो एक्सपायरी का दिन है आज। इंडियन मार्केट्स SGX निफ्टी देखे तो हल्की सी गिरावट दिखा रहा है। जापानीज इंडेक्स 123 पॉइंट की गिरावट दिखा रहा है। डाउ फ्यूचर हल्की सी बढ़त के साथ इस समय ट्रेड कर रहा है। एक अगर मैं इसे आर्ली चार्ट में कन्वर्ट कर दूँ तो आप देख सकते हैं एक साइडवेज पैटर्न यहाँ पर बना हुआ है। ना ही हायर हाई हायर लोज के पैटर्न बन रहे हैं, ना ही लोअर लोज लोअर हाई के पैटर्न बन रहे हैं। एक साइडवेज ट्रेंड में यहाँ पर डाउ फ्यूचर ट्रेंड करते हुए दिखाई दे रहा है। चलते हैं अभी निफ्टी के चार्ट के ऊपर। वीकली चार्ट है ये। वीकली चार्ट में जैसे कि हमने यहाँ पर फिबोनाची एक्सटेंशन लेवल्स को प्रोजेक्ट किया था तो ऑलमोस्ट 14,000 का लेवल यहाँ पर अचीव हो चुका है। कल 13,997 का निफ्टी इंडेक्स ने हाई लगाया। अगर एक बात देखें, ओवरबॉट जोन में एक्सट्रीम ओवरबॉट बन चुका है निफ्टी इंडेक्स। 7,200 ओवरबॉट जोन माना जाता है और यहाँ पर हमने एक करेक्शन देखा था लास्ट वीक मंडे को, एक ज़बरदस्त फॉल देखा था। लेकिन उसके 3 दिन में ही इसने पूरा ये फॉल था वो रिकवर करने के बाद और भी टूवर्ड्स नॉर्थ की तरफ अपनी जर्नी कंटिन्यू रखा। तो यहाँ पर अभी लास्ट वीक जैसा ये ड्रैगन फ्लाई दोजी जैसा कैंडल बना था, लंबा टेल छोड़ दिया था नीचे, उसी तरह अभी डेली चार्ट को अगर देखें तो कल निफ्टी ने सेम पैटर्न यहाँ पर बनाया, ड्रैगन फ्लाई दोजी। अभी क्या ये 14,000 को ब्रेक करके और टूवर्ड्स नॉर्थ की तरफ जर्नी कंटिन्यू रखेगा, या फिर ये जो साइकोलॉजिकल बैरियर बन सकता है, एक मैजिकल फिगर है 14,000, यहाँ से एक प्रॉफिट बुकिंग दिखाकर 20 EMA तक ये सपोर्ट टेस्ट करने को आ सकता है। अगर RSI प्राइस एक्शन की हम बात करें तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये जो प्रीवियस हाई है, स्विंग हाई, इसको ब्रेक कर दिया है प्राइस एक्शन में। इसको ब्रेक करके ब्रेकआउट मिलने के बाद ये 14,000 के तरफ बढ़ा है, लेकिन सीधे इसके नीचे जहाँ पर RSI ने स्विंग हाई बनाया, इसको अभी तक ये RSI ने ब्रेक नहीं किया। यानी बुल्स का जो यहाँ पर स्ट्रेंथ है वो ऐसा कह सकते हैं कि इतना पावरफुल स्ट्रेंथ नहीं है, लेकिन निफ्टी इंडेक्स जो है वो नए हाईस क्रिएट कर रहा है। हो सकता है यहाँ पर RSI डाइवर्जेंस देखने को मिले, प्राइस एक्शन हायर हाई बना रहा है लेकिन RSI लोअर हाईस क्रिएट कर रहा है। अगर ऐसा होता है तो यहाँ पर आने वाले समय में एक फॉल, एक करेक्शन देखने को मिल सकता है। मार्केट काफ़ी एक्सट्रीम ओवरबॉट है,
हर एक लेवल्स के ऊपर प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिल रही है। तो आज एक्सपायरी का दिन है, प्रॉफिट बुकिंग हो सकता है देखने को मिले शुरुआती कुछ आवर्स में, और उसके बाद फिर से एक बार नेक्स्ट एक्सपायरी के लिए यहाँ से फिर से एक बार पोजीशन बढ़ते हुए नज़र आ सकती है। तो ये डेली और वीकली चार्ट का सिनारियो है। इस समय चलते हैं 60 मिनट के चार्ट में। अगर कल का वीडियो अगर आपने यहाँ देखा होगा तो यहाँ पर हमने कुछ फिबोनाची एक्सटेंशन को यहाँ पर ड्रॉ करके कुछ आने वाले लेवल्स को प्रोजेक्ट किया था। तो कल 76.4% का 13,993 ऑलमोस्ट यहाँ पर अचीव हुआ कल। उसके पहले एक दिन 61.8% का लेवल यहाँ पर अचीव हुआ था, यहाँ पर ही रेजिस्टेंस फेस किया था और पूरा दिन निफ्टी साइडवेज पैटर्न में ट्रेड हो रहा था। तो काफ़ी एक्यूरेट लेवल यहाँ पर फिबोनाची हमें दिखा रहा है। तो अगर ये लेवल को ब्रेक करते हैं तो ऊपर R1 का फर्स्ट हर्डल होगा 14,030 का, और उसके बाद अगर इसके ऊपर सस्टेन करता है तो 14,050 के निफ्टी इंडेक्स में लेवल हमें देखने को मिल सकते हैं। आज एक्सपायरी है, थोड़ा हो सकता है टाइम भी लगे। तो अगर कल का ये जो हाई बन रहा है यानी 13,998 ऑलमोस्ट 14,000 के ऊपर अगर सस्टेन करता है निफ्टी इंडेक्स, तो ही इंट्राडे के लिए हम यहाँ पर बाय पोजिशन बना सकते हैं, और तभी हमारा फर्स्ट टारगेट होगा 14,021, ये हमारा फर्स्ट टारगेट होगा, और सेकंड टारगेट होगा 14,040, ये हमारा सेकंड टारगेट होगा। और अगर टूवर्ड साउथ की तरफ आता है तो ये जो पिवट पॉइंट है जहाँ पर निफ्टी इंडेक्स ने ये देखिए कल दो कैंडल्स जो है आर्ली चार्ट में यहाँ पर रेजिस्टेंस फेस किया था ऊपर जाते वक्त, तो पिवट पॉइंट का 13,947 का लेवल अगर ब्रेक होता है तो ही इंट्राडे के लिए हम यहाँ पर शॉर्ट पोजिशन बना सकते हैं, और तभी हमारा फर्स्ट टारगेट होगा, एक छोटा सा क्विकली फर्स्ट टारगेट होगा 13,928, ये हमारा फर्स्ट टारगेट होगा, और सेकंड टारगेट होगा 13,908, ये हमारा सेकंड टारगेट होगा। तो ये है आज के लिए निफ्टी के इंट्राडे लेवल्स। अगर आपको ये वीडियो एनालिसिस अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। सो थैंक यू वेरी मच एंड हैप्पी ट्रेडिंग।